हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम माय चैनल। तो मैं और मेरे भाई आ गई लो गार्डन में। सबसे फेमस मार्केट है अहमदाबाद का लो गार्डन मार्केट, जहाँ पे गुजराती पैटर्न चीज़ें मिल जाते हैं, ज्वेलरी, शूज़, कपड़ा। आप लोगों ने देखा होगा गुजराती लोग डांडिया डांस करने के टाइम जो चीज़ें पहनते हैं, सब चीज़ें, मतलब यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाते हैं। तो एक मैंने वीडियो शूट किया था मार्केट में, वो वाला वीडियो मैं रख दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करना, लिंक रख दूंगी, आई बटन में भी रख सकता हूँ, जहाँ पे भी रखो आप चेक कर लेना। वो वाला वीडियो में ए टू जेड सब चीज़ें मैं दिखा दिया। एक्चुअली मेरे भाई और मैं आई थी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, तो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट कर लिया था, रैंडमली शूट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं तो मैं चैनल में रखूँगी। बट मुझे इतना अच्छा लगा था ना कलेक्शन, फिर मैं सोचा चलो थोड़ा सा एडिटिंग करके रख देते, अच्छा लग रहा है। और अभी जो शूज़ का कलेक्शन देखे दे रहे ना, बाद में जाके आपको सेम कलेक्शन ना भी मिले, यहाँ पे एक से दो महीना बाद ना कलेक्शन चेंज होते रहता है। तो तीन महीना पहले जब मैं एक बार आई थी ना मार्केट में, तो तब इतना अच्छा नहीं था, अभी तो बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन मिल रहा है, प्राइस भी बहुत अच्छा है, रीजनेबल है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो हाथ में शूज़ दिखाई दे रहा था ना मैंने जो पहना, ये शूज़ का प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। सेम शूज़ मैंने बांग्लादेश में देखा था 3,000 में, क्या ही बताऊँ। बांग्लादेश में ना गुजराती मतलब पैटर्न के बारे में लोगों को लौटता है, बहुत लौटता है, बांग्लादेश में हर लोगों को पता है गुजराती पैटर्न के बारे में, गाँव से लेकर शहर तक सबको पता है। ये वाला शूज़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो फ्लैट पहनने का आता नहीं है, लेकिन ये वाला शूज़ के प्राइस भी बहुत रिजनेबल था, बहुत कंफर्टेबल भी है और बहुत सुंदर भी है। ये वाला शूज़ है ना, दूसरे दिन 3,000 बांग्लादेश में आराम से सेल हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेशी लोगों को बस पसंद आना चाहिए, बस पैसे के बारे में कोई नहीं सोचेगा। मैं भी ऐसे ही करती थी, बहुत पैसा खर्चा करती थी उधर जाके, चाहे कपड़ा शूज़ कितना भी रहे मेरे पास, बट फिर भी मैं देखूँ ना ऐसा लगता है ले ही लूँ ले ही लूँ। तो मैंने लिया, लास्ट में जाके देखा था। और यहाँ पे एक चीज़ क्या है ना, सेम प्रिंट का है ना, फ्लैट में भी मिलता है, हील में भी मिलता है, सेम प्रिंट आपको मिल जाएगा, दोनों टाइप का मिल जाएगा, काफ़ी सारा वैरायटी है। और यहाँ पे तो चेंज होते रहता है, दो तीन महीने बाद और भी अच्छा आएगा, क्या पता इससे भी खराब शूज़ आए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना मार्केट में इतना अच्छा शूज़ नहीं मिलता है, तो कभी कभी बहुत अच्छा मिल जाता है, जैसे अभी मिल रहा है। तो ये वाला शूज़ देख लो, ये मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मेरे लिए और मेरी बहन के लिए दो जोड़ा ले लिया। ये वाला नहीं, सेम प्रिंट का मैं देखा था लास्ट में, देखना, सेम प्रिंट का मैंने ले लिया था दो जोड़ा। और ये ना इतना हील नहीं है, मतलब 2 इंची का हील है, और मैंने लिया 3 इंची का, 3.5 इंची का हील होगा। तो मैंने बोला ना यहाँ पे सेम प्रिंट का अलग अलग मतलब डिज़ाइन का शूज़ मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा था ये भी ले लूँ, क्योंकि मेरी रूपा दीदी को अच्छा लगेगा। बट रूपा दीदी के लिए मैंने ऑलरेडी दूसरा जोड़ा ले लिया था, बट मुझे क्या बताओ बाद में दिखाई दिया ये वाला शूज़, मुझे पहले पता चलता ना तो मैं वही ले लेती, तो तीनों का जूता एक जैसे हो जाता। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मिल रहा था, और ये जो मुजरी है ना काफ़ी सारा वैरायटी मिल रहा है, वैरायटी से भरा हुआ। और ये देखो घर पे आने के बाद शूज़ दिखा रहा हूँ, ये है मेरी और शूज़ और रितिका का शूज़, सेम टू सेम, कितना हील है देखो, 3 से 3.5 इंची का होगा या 4 इंची के भी हो सकता है। तो सेम प्रिंट का दीदी का भी मिल रहा था, मतलब दीदी के लिए लेना चाहती थी मैं, दीदी तो इतना हील पहन नहीं सकती है ना, तो वाला थोड़ा कम हील था, बट दीदी के लिए मैंने ये वाला ले लिया, पहले ले लिया था तो इसका प्राइस भी रीजनेबल था। बट एक बात में बोलना चाहता हूँ, एक भी शूज़ का प्राइस मैं बोल नहीं सकती वाला वीडियो में, क्योंकि मेरी भाई ने मना किया था शूज़ के प्राइस बोलने के लिए, क्योंकि गिफ्ट के लिए लेके जा रहे थे ना मार्केट से, इसीलिए अगर मैं मेरे लिए लेती तो मैं प्राइस बोल देता। तो ये सब शूज़ है ना काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल भी है, ये वाला शूज़ मुझे इतना पसंद आया था, इतना पसंद आया था, बट मैं मेरे लिए नहीं लिया, मैं बोला आकाश तू ले ले पहले, मैं बाद में आके ले लूँगी मार्केट में, काफ़ी अच्छा ये वाला शूज़ इतना रीजनेबल प्राइस में मुझे नहीं लगता बाकी मार्केट में मिलेगा। और मैं यहाँ पे आने के बाद तो महंगा महंगा शूज़ पहनना भूल ही गया ये मार्केट से शूज़ लेके आने के चक्कर में। अरे वाला शूज़ भी मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे इतना पसंद आया था, तो आकाश बोलता चल मेरी फ्रेंड के लिए ले जाता हूँ, तो उसने उसको फ्रेंड को देखा है तो उसका फ्रेंड तो पागल ही हो गया। मैंने बोला ना बांग्लादेश का लोग बहुत पसंद करेगा यहाँ का कलेक्शन, मतलब ऐसा वाला कलेक्शन पसंद करेगा, बाकी नॉर्मल चीज़ें तो बांग्लादेश में मिल ही जाता है, बहुत वैरायटी मिलती है बांग्लादेश में। और तो ये वाला शूज़ मैंने लिया था दोबारा जाके मार्केट में, मुझे ये शूज़ बहुत ही अच्छा लगा था, क्या ना मेरे भाई ने तो एक जोड़ा लेके दिया ही है, तो मैं बोला ये ले लेता हूँ, इसमें ब्लैक और ग्रे शेड में था। तो आपको भी सेम शूज़ लेना तो आप ले सकते हो, अब मार्केट में ये वाला बहुत सारा है उनके पास, काफ़ी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी और बहुत अच्छा लुक आता है, फ्रॉक के साथ भी पहन सकते हैं, ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं और जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको अगर आप लेना है ना तो एक साइज़ बड़ा लेना चाहिए, आपका पैर का साइज से एक साइज़ बड़ा ही लेना, अगर आप चलोगे ना छोटा साइज़ होगा तो बहुत चुभता है पीछे की तरफ से, तो इसीलिए मैं सोचा था इसको चेंज करके एक साइज़ बड़ा लेके आ जाऊँगी, फिर देखा ना इतना भी ख़राब नहीं चलता है, लेकिन एक साइज़ बड़ा लो तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल हो जाता है। तो कैसा लगा मेरी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आज के लिए टाटा करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।